हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी दो क्वेश्चन हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। तो देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। इफ टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, वेयर टू ए इज एक्यूट एंगल, फाइंड द एंगल ए। टू ए क्या दे रखा है अपना, एक्यूट एंगल दे रखा है, कौन सा, ये वाला। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द एंगल ए, हमको क्या फाइंड करना है, अपने को ए एंगल ए फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, पहले तो लिख लेते हैं दिया क्या है आपके पास। भाई हमें दिया है टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। कितना दिया है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, साइन 18 अपॉन कॉस 72। यहाँ पर क्या था, आपको एंगल प्रॉपर दिया था, मान लो 18 डिग्री दिया और दूसरा कितना दिया, 72 डिग्री। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक को 18 डिग्री दे दिया, दूसरे को ये दे दिया, एक का मतलब कोई फिक्स नहीं कितना एंगल। तो जब आपके एंगल फिक्स होते हैं तो चेंज कैसे करते हैं, भाई ऐसे कर दो, साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 माइनस किया तो क्या आता है, ओनली 18 डिग्री आता है। अभी हमने किस पर फोकस किया था, एंगल पर। और अब देखना उल्टा चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कॉस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था, और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 72 अपॉन कॉस 72, कट गया तो कितना आया था, ये हमारा 1 आया था। अब इसमें चेंज क्या आता है वो चीज़ देखो आप, मान लो हम ऐसे चेंज करते हैं जैसे ये वाला कर रहे थे कि भैया टेन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ, क्या माइनस करूं भाई, 90 में से कितना माइनस करें कि हमारा एंगल कितना आ जाए, 2 आ जाए। यहाँ पर क्या किया था, देखो साइन 90 में से कितना माइनस किया था, 72, तब कितना आया था, 18। लेकिन अब क्या ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 2a, 90 में से 2a गया तो 2a बचेगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई साहब। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर क्या नहीं करना है, डायरेक्ट जैसे हम ही चेंज करते थे ना कि साइन 90 माइनस 2a, इसका मतलब तो ये हो गया टेन 90 में से 2a माइनस कर दिया आपने, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई साहब। 90 में से 2a माइनस किया और 2a बच गया, ये तो बहुत गलत है। यहाँ 90 में से 72 माइनस किया था तब 18 आया था, लेकिन यहाँ 90 में से 2a माइनस करने पर 2a कब आ जाएगा, तो ये तरीका नहीं अपनाना अपने को। क्या करना है, उल्टा करना है, जस्ट कैसे करना है कि भैया कॉट 10, देखो एक पार्ट को चेंज कर रहे हैं, या तो आप 10 को कर लो या किसको कर लो, कॉट को। हम किसको चेंज कर रहे हैं, 10 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉट में से चेंज कर सकते हैं। देखो कॉट 90 माइनस 2a, भाई कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी जगह क्या कर देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। बराबर में क्या दे रखा है, इक्वल टू में कॉट ए माइनस 18 डिग्री, क्या दे रखा है भैया, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ कॉट से कॉट तो गया भाई, कॉट से कॉट गया तो क्या बच गया अपना, 90 माइनस 2a किसके बराबर बच गया, ए माइनस 18 डिग्री, बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बच गया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2a आपका, प्लस का 2a, इधर ट्रांसफर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का ही, यहाँ पर माइनस का 18 बचा था और ये प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस के 2 और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 3a हो गए, क्या हो गए, माइनस के 3a इक्वल टू माइनस के 18 और माइनस के 90 कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 108, कितने हो गए भैया, माइनस के 108 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आपको ए रखना है, क्या रखना है, ए रखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किधर, दूसरी तरफ। तो ये जब 3 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर किस में भैया, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया और 3 से 108 कितनी बार कट गया, 3 3 9, 1 बच गया, 18 हो गए, 3 6 18, तो 36 ए के कितनी वैल्यू आ गई भैया, 36 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अब जो ए की प्रॉपर वैल्यू आई है वो आई है 36। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 2a आपका एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये तो मिल गया, लेकिन चेक करना है क्या 2a एक्यूट एंगल ही बन रहा है क्या। तो भैया चेक करते हैं हम यहाँ पर 2a, क्या चेक कर रहे हैं 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 36, भाई ए की वैल्यू कितनी रख दी, 36, तो 36 2 जा कितना होता है, 72, कितना होता है भैया, 72। तो क्या 72 आपका एक्यूट एंगल है या नहीं, एक्यूट एंगल का मतलब है ये 90 डिग्री से कम है या नहीं है,
ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है भाई 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब हमारी ए की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है भाई। 2A अपना एक्यूट एंगल भी प्रूफ हो गया और ए कितना प्रूफ हो गया 36 डिग्री। ये हो लिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत। इसको क्या करना है, उल्टा करना है भाई। 10 2A कब आ सकता है, जब कोट में से कुछ माइनस करें तभी तो आएगा। और यहाँ पर करते थे हम ओनली एंगल को चेंज, यहाँ पर पूरा ही चेंज कर दिया, सेम यहाँ पर करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, अब बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ क्या देखा भैया आपका, 10A इक्वल टू कोट बी, क्या करना है 10A इक्वल टू कोट बी, कोई सा चेंज कर लो, या तो LHS चेंज कर लो या RHS, दोनों में से कोई भी करो। तो हम क्या करते हैं देखो, ये फर्स्ट वाला ही कर देते हैं। तो यहाँ पर 10A दे रखा है, तो 10 90 माइनस ए तो कर नहीं सकता मैं, क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास एंगल क्या नहीं है, कोई भी फिक्स एंगल नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें उल्टा करना होगा, कैसे, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट बी, ये तो सेम रहेगा भाई। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। यहाँ थीटा कितना था ए, यहाँ भी थीटा कितना ए, कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना था 2A, तो यहाँ भी थीटा कितना है 2A, तो 10 2A भाई। फॉर्मूला यहाँ लिख देना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ लिख देना कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। सेम यहाँ लिख देंगे आप क्या, कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 थीटा, क्या होता है भैया 10 थीटा, लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस इक्वल टू कॉट भी, तो कॉट से कॉट गया, तो क्या बच गया भैया अपना 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी, क्या बच गया, सॉरी कॉट तो कटेगा, ओनली क्या बचेगा बी बचेगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी भाई। 90 को इधर ट्रांसफर कर दो या ए को उधर ट्रांसफर कर दो, बात तो एक ही है, तो 90 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ए को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ए माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी, ए को पहले लिख दो और बी को बाद में लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका कि ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है 90 डिग्री के, और ये क्या करना है हमें प्रूफ, तो यहाँ लिख देंगे ये हो गया भैया हिंस प्रूफ, सिंपल है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, पहले आप इनको नोट करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th वाला क्या कर रहा है, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भाई यहाँ पर क्या कह दिया आपको कि 4a क्या है अपना, एक्यूट एंगल है, मतलब जो a की वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई अगर हम किससे कर दें, 4 से कर दें, तो भी वो वैल्यू किससे कम रहेगी, 90 डिग्री से कम रहेगी। जैसा अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि आपका 2A क्या था, एक्यूट एंगल था, A की वैल्यू 36 आई थी और मल्टीप्लाई 2 से किया तो भी क्या आया था अपना 72 डिग्री आया था, जो कि 90 डिग्री से क्या था, कम था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। तो देखिए भाई क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर दिया क्या है आपको, पहले तो देखिए गिवन sec 4A इक्वल टू cosec ए माइनस 20 डिग्री, ये अपने को क्या कर रखा है, गिवन है, क्या भैया गिवन। तो यहाँ पर एंगल आपका अगर प्रॉपर नहीं दे रखा तो हमने बता दिया क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट करना है, कैसे कि sec 4A कब आ सकता है, कब आ सकता है भाई, जब हम cosec 90 में से क्या माइनस कर दें, cosec 90 माइनस 4A, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या बनता है, cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, और थीटा की जगह कितना आ रहा है 4A, यहाँ भी कितना था 4A, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्या हो रहा है भैया, cosec a माइनस 20 डिग्री कितना आ गया, a माइनस 20, ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या चीज़ लगाई है वो लिख देना कि cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, किसके बराबर होता है भैया sec थीटा के, तो cosec से cosec गया, क्या बच गया 90 माइनस 4A इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, यही तो बचा भाई, cosec से cosec गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4A, आप कुछ भी कर सकते हो, जहाँ ए को इधर ले आओ या ए को इधर ले आओ भाई, एक तरफ रखना आपको, चलो 90 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और माइनस का 20 इधर लेके आए तो प्लस का 20 हो गया, यहाँ पर प्लस का ये था, माइनस का 4A इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 4A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस 20 कितना हो गया भाई, ये हो गया 110 इक्वल टू ए प्लस 4A कितना हो गया, ये हो गया 5A। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो 110 में डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो 5 का डिवाइड किया तो कितना भैया 22 डिग्री, 22 5 से कितना होता है 110, ठीक है। तो भैया ए की वैल्यू आ गई अपनी कितनी,
22 डिग्री। और हमको क्वेश्चन में दिया था कि 4A कैसा है आपका, एक्यूट एंगल है। तो भैया चेक कर लेते हैं क्या 4A एक्यूट एंगल है। तो 4A, तो 4 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है 22 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई किया कितना होता है बेटा 88 डिग्री होता है, जो कि 90 डिग्री से क्या है बिल्कुल कम है। तो ये बात भी क्या है बिल्कुल आपकी सही है कि 4A कैसा है आपका, ये भैया एक्यूट एंगल है। कैसा है? एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 ज़्यादा होता है, और राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये तीन एंगल दे रखे हैं आपके। तो देखिए ये हो गया फिफ्थ वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिक्स्थ। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू एंड कॉस ए अपॉन टू। ये प्रूफ करना है अपने को। दिया क्या है भाई साहब, गिवन क्या दिया है कि जो ए बी एंड सी ये क्या दे रखे हैं अपने, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं। कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल किसके? ट्राइंगल के। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। चलो एक चीज तो पता चली क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। मान लो यहां पर मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, ये बना दिया भाई, इसको नाम दे दिया ए बी और सी। भाई इंटीरियर एंगल बड़े कैपिटल में देखा है, तो इंटीरियर एंगल का मतलब है ये अंदर के एंगल देखे हैं इसके। ये कितना देखा है भैया ए, ये कितना देखा है बी, और ये कितना देखा है सी। मान लो ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, ऐसे मान लो ए बी सी का मतलब, ठीक है। अब देखो जो चीज़ हमें दी है, और प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू किसके इक्वल प्रूफ करना है, कॉस ए अपॉन टू के, ठीक है। तो करते हैं भैया प्रूफ। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे प्रूफ हमें दिया है कि ए बी सी आपके इंटीरियर एंगल है, और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का या सभी एंगलों का सम कितना होता है भैया, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। भाई एंगल लगाने की जरूरत है? मान लो यहाँ एक ही जगह 30 डिग्री होता है, यहाँ 20 डिग्री होता है, और यहाँ 40 डिग्री 50 डिग्री होता, तो अभी तो ऐसे लिखते आप, ठीक है। तो एंगल लगाने की तो इसमें कोई जरूरत नहीं, एंगल तो पहले ही दिया है। तो यहाँ किससे आया भैया, ये एंगल सम प्रॉपर्टी किससे आया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब देखो हमें क्या रखना है, यहाँ पर B प्लस सी रखना है और A को उधर भेज देना है। तो भाई मैं B प्लस सी को इधर ही रखता हूँ, चलो रख लिया B प्लस सी को रखा और 180 माइनस A कर दिया, A को क्या कर दिया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। यहाँ पर B प्लस सी है, यहाँ भी B प्लस सी। अब यहाँ B प्लस सी के नीचे क्या है, 2, और यहाँ cos A के नीचे क्या है, 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाई 2। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। किधर? ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर रहे हैं भाई। दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं, देखो अभी पता चलेगा कि b प्लस सी अपॉन 2 हो गया, और इधर 180 माइनस a अपॉन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि b प्लस सी अपॉन 2, और भाई इसको लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। अब देखना आया ना a अपॉन 2 आ गया भाई, 2 से 180 कट गया, तो ये क्या आ गया, b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। क्या बच गया, 90 माइनस a अपॉन 2, यहाँ भी क्या लग रहा है, अपॉन 2 लग रहा है, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो बन गया, बस थोड़ा सा और रह गया, यहाँ साइन आना और यहाँ क्या आना भैया, कोस आना है। तो साइन कोस कब आ सकते हैं, देखो हमें क्या करना होता है, ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो जिससे अपना क्वेश्चन पूरा बन जाए। तो यहाँ साइन दिख रहा है आपको ए प्लस बी अपॉन 2 में, या बी प्लस सी अपॉन 2 में। अगर मैं इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना, कॉस थीटा होता है, इसलिए ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 2 में। अगर कॉस से करते हो तो नहीं आएगा, लेकिन साइन से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई साइन ऑन बोथ साइड ओनली साइन से कर रहे हैं, क्योंकि थीटा तो अपने को पहले ही दिया है। तो भाई साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया,
साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू यहाँ बन गया साइन 90 माइनस ए अपॉन टू बन गया। ठीक है, तो देखना साइन बी प्लस सी अपॉन टू आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस ए अपॉन टू है, अपने को कॉस ए अपॉन टू लाना है। तो भैया आपको एक चीज दिख रही होगी क्या कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो ये क्या आ जाएगा अपना कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे खुद ही बता दो अब तो ए अपॉन टू। भाई छः क्वेश्चन कर चुके हो आप अब तक, अब तो पता चल गया यहाँ पर क्या आ जाएगा ए अपॉन टू आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू। तो देखना क्या यही चीज प्रूव करनी थी हमको, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू किसके प्रूव करना था कॉस ए अपॉन टू के। तो ये क्या हो गया अपना एल एच एस किस मतलब एल एच एस तो छोड़ो ये प्रूफ ही करना था, तो हेंस प्रूफ क्या हो गया अपना हेंस प्रूफ हो गया। क्या चीज़ प्रूफ के देखो यहाँ पर लिख देना कि भैया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, और थीटा की जगह क्या लिखा हमने ए अपॉन टू, अगर यहाँ ए होता तो ए लिख देते ए अपॉन टू, ए अपॉन टू 30 होता है 30, 20 होता है 20, जो थीटा दे रखा वही थीटा अपने को यहाँ यूज करना। तो ये हो गए छः क्वेश्चन, एक और बचा है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो नोट कर देते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है सेवन्थ वाला, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। भाई हमें दे रखा क्या है देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ये दे रखा है, एंगल दे रखे अच्छी बात है, लेकिन जो 67 और 45 है ना इनको चेंज करने आपको किसके बीच में रखने हैं 0 से 45 के बीच में लेके आने, मतलब कोई भी एंगल हो आपका लेकिन किसके बीच में होनी चाहिए दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में। तो इनको कैसे कर सकते हो देखो सिंपल है बहुत ज़्यादा, क्या करना है कि भैया साइन 67 कब आ सकता है जब 90 में से कितना माइनस करें 23। देखो आ गया ना वही चीज, जहां पर एंगल आपका प्रॉपर दिया है डायरेक्ट माइनस कर सकते हो 90 में से, और जब आपका एंगल प्रॉपर नहीं दिया होता है तो अपोजिट करते हैं, जैसे मान लो साइन होते क्या करते हैं कॉस 90 माइनस करते हैं, यहां पर अब क्या देखा है प्रॉपर देखा है तो साइन में से माइनस कर रहे हैं और प्रॉपर नहीं होता है तो कॉस में से माइनस करते हैं। ठीक है, बस ये दो अंतर ध्यान रखना, प्लस यहाँ पर दोनों को चेंज करना है तो यहाँ भी चेंज कर देंगे कॉस को, तो कॉस क्या जाए भैया कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, भाई 90 में से 15 गया तो क्या बचेगा अपना 75 बचेगा, तो भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या यूज करेंगे भैया 15 डिग्री। तो देखने के दोनों एंगल 0 से और 45 के बीच में है या नहीं, बिल्कुल है भाई साहब 15 डिग्री और 23 डिग्री 0 से और 45 के बीच में, इसका मतलब ये दोनों क्या है अपने सही है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए कौन कौन से अपने, एक तो क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा किया भैया क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। तो ये हो गई भैया अपने 8.3, तो इसका क्या करना है आपको इनको क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करना है और अच्छे से इनका रिविजन करना है। धन्यवाद।